कौन से नए बवाल से है आने वाले दिनों में कांग्रेस को खतरा? आजाद वफादार क्यों हाईकमान के फैसले से है नाखुश? किस कारनामे को अंजाम देने की कर रहे कोशिश आजाद लॉयलिस्ट? देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की तकरारी के बाद ही कांग्रेस पार्टी में फूट पट्टी दिखाई दे रही है। आपको बताएं तो विकार रसूल सदर बनने के बाद कल श्रीनगर पहुंचे थे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका इस्तकबाल तो किया, लेकिन इसी दौरान पार्टी के दरमियान नाराजगी कहां है वो भी सामने आई। हमने शुरू दिन से ही आपको अपने अंदरूनी जराये के हवाले से मिली जानकारी को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि किस तरह जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के लिए वकार रसूल की नामजदगी के बाद उनको अक्सरियत में मुखालफत का सामना करना पड़ा था, जिसमें मौतद पार्टी कायदेन एमएलएज और वुजरा ने खतूत के जरिए हाईकमांड को आगाह किया था कि अगर विकार रसूल को तकरर किया जाएगा तो बड़े पैमाने पर इस्तीफे का सिलसिला देखने को मिलेगा। और उस वक्त हमारी इस खबर को महज एक प्रोपेगेंडा के तौर पर लिया गया था, लेकिन कल के मनाजर देखने के बाद एक बार फिर न्यूज इंसाइडर की खबर सच साबित हुई है, जहां विकार रसूल के श्रीनगर पहुंचने पर उनकी हिमायत में वो लोग पहली सफ में खड़े नजर आए जिन्होंने एक वक्त में गुलाम नबी आजाद के पुतले तक जलाए थे और जो मौजूद नहीं थे। इस तकरीब में उनकी गैर मौजूदगी इस बात की तस्दीक करती है कि कांग्रेस पार्टी के दरमियान हालात किस तरह से चल रहे हैं और कैसे पार्टी कारकुनान हाईकमांड के इस फैसले से नाखुश है। बता दें, जिनका जिक्र हमने पहले दिन से ही किया था, जो विकार रसूल की मुखालफत में थे, उनमें से हाजी रशीद, जीएन मोंगा, जीएन सरोड़ी, मजीद वानी, मोहम्मद अमीन भट्ट, चौधरी मोहम्मद अकरम, पीरजादा मोहम्मद सईद, गुलजार वानी, चौधरी इमरान जफर और मोहद्दत लीजरान के चेहरे कल तकरीब में दिखाई नहीं दिए। हमने हाईकमान के इस फैसले पर लगातार नजर बनाए रखी थी कि क्या आजाद लॉयलिस्ट विकार रसूल को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर कबूल करेंगे या नहीं। और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप खुद देख सकते हैं और खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि विकार रसूल की हमायत और मुखालफत में कौन कौन शामिल है, जिसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में अंदरूनी ग्रुप्स में लड़ाइयां चल रही हैं। और हमारे जराये के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके आजाद वफादारों ने कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। और अंदरूनी बात ये भी सामने आई है कि शायद किसी नई पार्टी का गठन या किसी और पार्टी में शमूलियत भी आजाद वफादार कर सकते हैं। कुछ दिनों में ही आपको उसके मुतालिक भी जानकारी देंगे, जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी में एक बड़े पैमाने पर तूफान बरपा करेगी, क्योंकि वो शुरू दिन से ही हाईकमांड को आगाह कर रही थी कि विकार रसूल बहुत ही जूनियर हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर तकरर ना किया जाए, उनको यूटी में कोई मकबूलियत नहीं है। याद रहे, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की तकरारी के बाद बहुत से लीडरान ने कैंपेन कमेटी और सियासी अमूर की कमेटी से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें बड़ा नाम कदावर लीडर गुलाम नबी आजाद का है। और आजाद के इस फैसले के बाद उनके वफादारों ने भी कमेटी से इस्तीफा देकर हाईकमांड को एक झटका दिया है और व्हाट्सएप ग्रुप की तरह पार्टी अरकान लगातार एग्जिट मारते नजर आ रहे हैं। आजाद का कमेटी से इस्तीफा देने के बाद एक्स-एमएलए चौधरी मोहम्मद अकरम, एक्स-एमएलए शंगस गुलजार अहमद वानी और कल डीडीसी मेंबर मनकोट चौधरी इमरान जफर ने भी पार्टी की कमेटी को खैरबाद कर दिया है। अब आने वाले वक्त में ये देखना है कि क्या आजाद वफादार अब किसी नई पार्टी का ढांचा खड़ा करेंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे। न्यूज इंसाइडर ऐसी ही एक खबर की जांच पड़ताल में है, जो आइंदा दिनों में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी में मची हलचल की हकीकत से आपको बाखबर कराएगा। तब तक जुड़े रहें आप हमारे साथ पल पल के अपडेट्स के लिए।